एक्चुअली पापा की बाइक में लगने वाली थी ऑलमोस्ट आग। ब्लॉग शुरू होने से पहले कहा था कि घुड़सवार ही गिरते हैं। पापा का फ्यूल बहुत ज्यादा लीक हो रहा है, नीचे देखो हैंगर कितना सारा फ्यूल गिर चुका है। वो तो शुक्र है गाइस पापा ने ना आग नहीं पकड़ी। ऐसी क्या बात है मम्मी जो आपने मेरे को नहीं बताई? बगावत वाला सलीम और अनारकली कौन है? सव्या पापा। ला पापा आपकी राइड ना एडवेंचरस शुरू हुई है बहुत भाई। नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। गाइस आई नो आप इस एपिसोड का वेट पिछले 2 सालों से कर रहे थे, क्योंकि 2 साल से मेरे पापा और मैं लगे हुए थे कि हम लोग लेह लद्दाख जाने वाले। एंड फाइनली गाइस आज वो दिन आ चुका है जब हम लोग लेह लद्दाख की प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड हम लोग बस लेह लद्दाख के लिए निकलने वाले। गाइस मैं बता भी नहीं सकता हूँ हाउ हैप्पी आई एम एंड मेरे पापा तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड है। व्हाट इज अप पापा, व्हाट इज अप, क्या कह रहे हो? सुबह से तैयार हो रखा हूं। गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं और मेरे पापा लेह लद्दाख जाने वाले हैं एंड पापा लेह लद्दाख जाने के एक्साइटमेंट में ना सुबह 8 बजे से तैयार हो रखे हैं। पहले 8 बजे सेब बना दी, 10 बजे से कपड़े पहने हुए, अब मेरे से ज्यादा लेह लद्दाख एक्साइटेड है, वो सोच रहा है मैं कब आऊंगा। एंड गाइस फाइनली सब कुछ प्रिपेयर हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने सुबह 8 बजे निकलना था बट 12 बज चुके हैं क्योंकि यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी एंड हम लोग बारिश में नहीं निकल सकते थे। एंड साथ ही साथ मेरे को लेह लद्दाख के लिए पासेस भी कराने थे तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं एंड पासेस का मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन पापा लाइक टेल मी एक्साइटेड, मुझे तो भरोसा नहीं पापा कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब जब ओखल में सर दिया तो मूसल से क्या डर, अर्थात छोटी मोटी तो परेशानी आती रहेंगी, बाकी तो चलना है और चलना है। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो लेह लद्दाख हो रखा कि मैं कब जाऊंगा और 55 की एज में कौन आदमी। हाँ पापा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले पिताजी होंगे। मुझे ऐसा लगता है गाइस यूट्यूब की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार ये हो रहा होगा कि कोई बाप बेटा लेह लद्दाख टूर एक साथ कर रहे हैं। मुझे पता है सब लोगों के ड्रीम होते हैं पापा अपने पापा को लेह लद्दाख लेके जाने का, बट मैंने सोचा नहीं था कि आप 55 साल की उम्र में लेह लद्दाख कर लोगे। बट अरे ब्रो सिनया बहुत कांड इकट्ठे हो रहे हैं। 55 साल की एज में मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ और मेरा बेटा भी एग्जाम दे रहा है। गाइस एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, अगर वो कंप्लीट हो गई तो फिर पापा, मुझे भी नहीं बताया बट पापा और मम्मी ने मेरे से छुपा रखा है। ऐसी क्या बात है मम्मी जो आपने मेरे को नहीं बताई? हमने किसी को भी नहीं, जो हो जाएगा जब तक हो नहीं कैसे उम्मीद कर रहे हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये भी नहीं है कि हो जाए पर तीन लोगों को, केवल 3 लोगों को पता है। कौन? एक तेरी मम्मी, एक मैं और एक और है। जब होगा तो पापा सारी ब्रोसेना को पार्टी। हाँ पार्टी वो देते हैं क्या? हम देते हैं। मैंने वो जैकेट कौन सी पहनी, क्या वो राइडिंग जैकेट? एक्चुअली गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने ना पापा के लिए राइडिंग गेयर्स ऑर्डर करे थे बट पापा ने बहुत रैंडम डेट दी मेरे को एकदम कि भाई 21 तारीख को ले लद्दाख चलते हैं, तो मेरे राइडिंग गेयर्स नहीं आ पाए। मेरे जो पुराने वाले राइडिंग गेयर्स थे वो मैं पापा को पहनाने वाला हूँ, तो आज हम पापा को एकदम फुल पावर तैयार करने वाले ले लद्दाख के लिए, फुल राइडर वाली फीलिंग। पापा ने आज से पहले इतनी लंबी राइड नहीं करी। हाँ मैं ये भी बोल रहा था कि इससे पहले मेरी जो मैक्सिमम थी वो थी 350 किलोमीटर वन डे। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ गाइस, पापा ने हिली एरिया में 350 करा जो कि वाज बहुत ज्यादा। ले लद्दाख तक का सफर वैसे भी हाईवे होने वाला गाइस, तो पापा वो बहुत इजीली कर लेंगे। एक्चुअली आज हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया बट पासेस कराना बहुत जरूरी था, और जब तक हम लोग बैग लगा रहे गाइस तब तक आप पापा को गियर राइडिंग गियर्स में चेक करें। तो गाइस हम लोग पापा को राइडिंग गियर्स पहना रहे हैं। एक्चुअली पापा ना बहुत मोटे हैं, मैंने राइडिंग गियर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखे थे बट पापा के लिए बहुत मोटे। ये ढीला हो जाता है पापा, इसलिए बोला था पापा तोंद कम करो अपनी, इतनी मोटी तोंद है वो गियर भी नहीं आ रहे। एवरेस्ट की ऊंचाई कम हुई है तो यार मुझे ऐसा लगता है कि 10R पे मुझे तो कोई देखने नहीं वाला है, शायद एवेंजर पे ही पापा को सब लोग देखे, पापा भी बहुत गर्मी होगी। एंड बहुत सारे लोग ना मेरे को एक कमेंट करते थे कि आपके पापा एक रिटायर्ड मिलिट्रियन लगते हैं, लेकिन पापा आर्मी में नहीं थे, पापा एक टीचर थे। मैंने बच्चों को ट्रेनिंग देता था, हम जैसे नालायक बच्चों को पढ़ाया पापा ने ना। अरे ये घुस नहीं रहा यहाँ से, मुझे क्या पता था जीवन में ये भी पहनना पड़ेगा। पापा के जीवन की अभी केवल शुरुआत है, अभी तो पापा ने साले शुरुआत तेरी होगी। पापा हो चुके लेह लद्दाख के लिए एकदम तैयार, और पापा बस अब ऐसे ऊपर करके घूमना शुरू करो। अभी चड्डी कहाँ है कुछ पता ही नहीं है गाइस पापा को मेरे, बट पापा एक्चुअली में बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत सेफ लग रहे हैं। एंड ना पापा बिल्कुल सेफ हो गए यार, क्योंकि इस राइड पे ना पापा की सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ये मेरे एक्चुअली नए गियर्स थे, तो मैंने 3 साल पहले 500 सब्सक्राइबर स्पेशल पे ना एक जैकेट खरीदी थी, वो जैकेट मैं पहनने वाला हूँ। पापा इतने पैसे ना आपके, इतने पैसों में मेरी बाइक स्टार्ट होगी केवल, पता आपको 500, 500, 1100, 1200, 1350 रुपए। ठीक है पापा हम डोयाला में उतार देंगे। देखो मम्मी आपके पति का मैंने लेह लद्दाख का सपना भी पूरा कंप्लीट करा दिया। अच्छी बात है, बेटा तो कराता है कंप्लीट कराएगा। मैंने तो अपने पिताजी के लिए 20 बार बोला, वो तो कहीं नहीं जाते थे। मैं तो लेके जा रहा हूँ पापा आपको, मैं जा भी तो रहा हूँ। आपने दिल से नहीं बोला ना, इस वजह से नहीं गए आपके पिताजी। दिल से नहीं,
वहाँ बिल से चलता था, बिल और बिल में जो है बहुत अंतर होता है। तो यार मम्मी आपके पति हो चुके रेडी? मैं टेंशन में था कि पापा कैसे राइड करेंगे, एंड हम लोग बिल्कुल चीजें ना एकदम प्रॉपर करके जा रहे हैं, सेफ्टी लेके जा रहे हैं। पता एक्चुअली पापा ने ना केवल दो टी शर्ट रखी थी, तो मैंने हाथ जोड़ करके पापा से 5-6 टी शर्ट, 7 टी शर्ट और बाकी वार्मर और इनर भी लगाए, क्योंकि लेह लद्दाख में जब ठिठुर रहे होंगे ना तो फिर तूने तो रखना ध्यान वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। बस मैंने पापा को बोला कि पापा आप ये मत बोलना कि सुबह 5 बजे चलो, एक्चुअली मेरे पे इतना प्रेशर रहता है ना चीजों का, मेरे को 10 चीजें आगे की सोच के चलनी पड़ते हैं, तो लेट हो ही जाता है बट निकलते हैं। हुंचा अब 10 दिन आप पापा को मिस करना। क्यों करूंगी मिस, बात करेंगे आमने सामने के वीडियो कॉल। ला ला So guys, almost सब चीजें प्रिपेयर हो चुके हैं, मेरे को 1 घंटा और लग गया सामान बांधने में। Here is our echo guys, जिस पे हम लोगों ने एक टेल बैग बांधा है guys, बैटमैन पे guys हम लोगों ने लगेज और टैंक बैग बांधा है, एंड एवेंजर पे हम लोगों ने ज्यादा लोड नहीं रखा है, क्योंकि यार हम कोशिश कर रहे हैं पापा पे जितना लोड कम डाले उतना बेटर है। पापा पहली बार 3000 किलोमीटर की राइड करने वाले, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा इजी हो, तो इसीलिए guys हम लोगों ने केवल एक बैग ही बांधा है, इसमें पापा के कपड़े और एक टैंक बैग बांधा है, क्योंकि पापा को टैंक बैग चाहिए था। तो यार हम लोग हो चुके हैं प्रिपेयर और मम्मी पहना रही है पापा को ग्लव्स हेलमेट उलमेट, ताकि पापा की राइड सेफ हो। मुगले आजम फिल्म की याद आ रही है, जिसमें जोधा भाई अकबर को क्या बोलते हैं उन्हें वेपन्स पहनाती है, और उसमें भी टीका लगाते हुए जोधा भाई अकबर को ले लद्दाख फतेह करके आना, सही पापा हमारे राजा और मैं उनका सेनापति, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सलीम बगावत वाला सलीम क्यों, जब मुगले आजम देखेगा तब पता चलेगा। और अनारकली कौन है? सभ्या पापा, अनारकली तो सब है। शिवम भी जा रहे हैं, हमारा कैमरामैन, डीओ आर्टिस्ट, रील आर्टिस्ट, हमारा सब कुछ यही है। अगर शिवम नहीं होगा ना गाइस तो रास्ते पे लग जाएंगे। एंड आमिर भाई भी हमारे साथ राइड पे जा रहे हैं गाइस। आमिर भाई एक्साइटेड है? एकदम मस्त। पापा के साथ बहुत मजा आने वाला है, लेकिन आपका बहुत तो नहीं लग रहे, पापा भी देखो आर्मी ऑफिसर लग रहे हैं। मैं और अंकल तो बिल्कुल ही लग रहे हैं, बिल्कुल आर्मी ड्रेस अप, शूज में। ये लो थोड़ा दही भी खा। सैंडी को भी दही खिलाओ, हमारे बेटे को। हाय सैंडी, हम जा रहे हैं, बाय सैंडी। ओके यार, तुम्हारे घर में क्या होता है, हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो कुछ मीठा खाना होता है, और ये दही हम मांग के लेके आए पड़ोसी से, हम बहुत गरीब हैं। ये मेरे घर से लेके आए थे, झूठ बोल रहे। And guys, here is our Sandy. Sandy को भी टीका लगने वाला है। ओ मेरा बेटा, ओए मेरा बेटा, चुंदर बेटा हमारा। फिलहाल गाइस देहरादून में ना सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाकर के थोड़ी बहुत धूप आना शुरू हुई है, बट हम लोगों ने पूरा सामान वाटरप्रूफ करके चला है, क्योंकि बाद में जाकर के बारिश होगी तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। एंड गाइस हम लोग फाइनली लेह लद्दाख की राइड स्टार्ट करने वाले हैं, तो जय श्री राम, लेह लद्दाख इज ऑन। सो गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म, विंजो ऐप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस जहां पर आप मोर देन 70+ गेम खेल सकते हैं। यहां पर आप गाइस फ्री फायर एंड सीओडी जैसे गेम्स के टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हैं। इधर विंजो वर्ल्ड वॉर में गाइस 24/7 टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां पर आप जीतो या हारो लेकिन आप रोज लाखों के इनाम जीत सकते हैं। सो गाइस डू प्ले, क्योंकि यहां पर शुरू के जो 3 गेम्स है वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। विंजो स्टोर से गाइस आप बहुत सारे ब्रांड्स के गिफ्ट वाउचर्स ले सकते हैं, साथ ही साथ फ्री फायर, लॉर्ड मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स की करेंसी ले सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा चीप प्राइसेस में। एंड विंजो वॉलेट से आप गाइस जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम बैंक या फिर यूपीआई आईडी में। तो फिर देरी किस बात की गाइस, डिस्क्रिप्शन में चल जाओ, मैंने विंजो का डाउनलोड लिंक दिया होगा, अगर आप वहां से जाकर डाउनलोड करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट मिलता है मेरी तरफ से 50 रुपीज का बोनस। तो जाओ फटाफट विंजो डाउनलोड करो और मस्त पैसे जीत जाओ। गुड बाय टू सैंडी, बाय सैंडी, हम लोग जल्दी मिलेंगे। ओके मां पढ़ना, मां पढ़ रखा है। ओके गाइस तो हम लोग जाने वाले हैं। एक्चुअली हम लोगों ने ना अपने पास डीओ भी रखा है, क्योंकि ना बहुत बारिश हो रहा है, तो फिर यू नो खुशबू आता रहेगा। तुम भी डाला शिवम, 1 महीने से तो नहीं होंगे तुम। ओके गाइस तो वी आर रेडी, एंड हम लोग जा रहे हैं फाइनली लेह लद्दाख की राइड के लिए। दिन के ना गाइस 2 बज चुके हैं, एंड हम लोग 2 बजे घर से निकल रहे हैं। तो यार बेसिकली हम लोगों ने थोड़ा सा लेट शुरू करा है, बिकॉज देहरादून में ना बहुत भयंकर बारिश हो रही थी सुबह से, एंड हम लोगों को ना चीज़ें कंपाइल करके रखनी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे यार बीच में हम लोग रुके फिर हम लोग वापस सामान बांधे, तो हम लोग घर से ही लेट निकले हैं, क्योंकि टनार पे भी टेल बैग बांधना था और पापा की बाइक पे ना सामान इस तरीके से एडजस्ट करना था कि पापा को राइड पे दिक्कत ना पड़े, क्योंकि ये 3000 किलोमीटर होने वाले हैं, एंड पापा के लिए 3000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यार लेह लद्दाख तक का सफर हमारा 1500 किलोमीटर का होने वाला है, एंड द थिंग इज़ अब धूप आ चुकी है तो अब चीज़ें ईजी हो गई है, क्योंकि बारिश में राइड करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, हम लोगों ने ना अपने सारे पासेस बना लिए हैं, ई पासेस, COVID-19 की रिपोर्ट, लेह लद्दाख का पासेस। बेसिकली अगर आप लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ ई पासेस करने पड़ेंगे। पहले आपको लेह टूरिज्म का ई पास लेना पड़ेगा, जस्ट टू बी श्योर, ताकि कोई बीच में आपको रोके ना। एंड द अदर इज लेह लद्दाख पैंगोंग वाला ट्रैवल पास, आप दोनों में से कोई एक भी करा दोगे तो भी चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से ना यार दोनों करा लेना, क्योंकि सीन ये यार कि जाते हुए ना किसी ने रोक लिया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप आधे रास्ते से वापस आओगे। तो यार अभी हम लोग 1 घंटा घर में, ये देहरादून का सेंटर है, एंड द थिंग इज
सैटरडे संडे ना अभी भी देहरादून में लॉकडाउन है, वीकेंड ही लॉकडाउन यहाँ पर चल रहा है, बट अब इतना ज्यादा सीरियस है नहीं। पुलिस ने ना बहुत ज्यादा छूट दे दिया, आप बाहर निकल सकते हैं, कोई आपको ऐसे चेक नहीं करेगा। एंड पता है आपको उत्तराखंड में ना चारधाम यात्रा भी खुल गई है, लेकिन वो अभी केवल देहरादून, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के लोगों के लिए खुली है, बट हाल ही आने वाले कुछ दिनों में वो ऑल ओवर इंडिया भी खुल जाएगी। तो यार इन बहुत बुरे 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद चीजें खुलने लगी है एंड हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मैं तो इतना ज्यादा खुश हूं ना गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि सब और मैंने क्या क्या चीजें प्लान करी आप लोगों के लिए। एंड पापा भी बहुत ज्यादा खुश है यार कि वो मेरे कारण लेह लद्दाख जा पा रहे हैं। अगर मैं कभी बाइकर या यूट्यूबर नहीं बनता ना तो उनका भी शायद ये सपना ही रह जाता। और 55 साल की उम्र में गाइस हैट्स ऑफ टू हिम, वो इतना एफर्ट्स भी दिखा रहे हैं। मुझे पता है गाइस उनमें हिम्मत तो बहुत है बट उनका ना शरीर ही साथ नहीं देता। बस गाइस कमेंट सेक्शन में ना पापा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना। हम लोग एक्चुअली भी 40-50 चल रहे हैं क्योंकि पापा ना सिटीज में ज्यादा भगाते नहीं है। एंड अभी मेरे को यार फ्यूल भी कराना है बिकॉज सेटेक सेनार में ना फ्यूल गॉज नहीं है गाइस, तो पता ही नहीं चलता कितना फ्यूल है इस गाड़ी में। पता चल रहा है कि फ्यूल खत्म हो गया एंड मैं हाईवे पर अटक गया। पापा की गाड़ी तो वैन का 40 का एवरेज देगी बट मेरी गाड़ी तो हार्डली लाइक 10-12 का एवरेज देगी हाईवे पे। कल हम लोगों ने इसकी सर्विस कराई थी तो होप फॉर द बेस्ट 14 या फिर एटमोस्ट 15 का एवरेज दे दी है। 15 का एवरेज देगी तो 50,000 रुपीज का फ्यूल लगेगा मोटा मोटा। बट द थिंग इज गाइस ये वाली ZX NR इंडिया की पहली ZX NR होने वाली है 2021 जो कि लेह लद्दाख करने वाली है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग ZX NR को लेह लद्दाख लेके जा रहे हैं यार, क्योंकि सुपर स्पोर्ट्स में ना टूरिंग करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। बट जब तक आप लोगों का सपोर्ट है ना यार तब तक ये छोटी मोटी चीजें तो हम लोग करते रहेंगे। तो ब्रो से ना बड़ा मजा आ रहा है इस प्रकार की राइडिंग में। तुम्हारा UK07 राइडर और उसके साथ आमिर भाई दोनों सोच रहे थे कि शायद मैं इनके बराबर चला पाऊंगा या नहीं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड अगर स्पीडोमीटर आ रहा हो तो 60-70 पर मैं चल रहा हूं, एवरेज में 80 पर चल रहा हूं, कभी कभी मैं 90 भी खींच ले रहा हूं। मैं पहली बार इस लोकेशन में आ रहा हूं, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हम लोग हैं अभी। और ये जो आप मेरी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये आसन बैराज का एरिया है। हीरो को देखो, हीरो चल मेरे बराबर नहीं रहा है लेकिन आवाज़ मेरे से 10 गुनी ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पर जब सीजन चेंज होती है तो माइग्रेटेड बर्ड्स पर्टिकुलरली यूक्रेनियन साइबेरियन क्रेन जो है वो यहाँ पर आते हैं। अभी भी हमको कुछ चिड़िया शायद सामने दिखाई दे रही होंगी। ये आप आसन की झील दे सकते हैं, बैराज दे सकते हैं, यहाँ पर लोग अपना हॉलीडे इंजॉय करने आते हैं। मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ और जब माइग्रेटेड बर्ड्स यहाँ पर आती होंगी और वो तैरती होंगी तो देखिए कि कितना अच्छा लगता होगा। और अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठीक ठाक हो चुका और अब हम लोग यहाँ पर लिखा है चंडीगढ़ पौंटा साहिब लिखा हुआ है, तो अब हम शायद पौंटा साहिब से काफ़ी नज़दीक होंगे। और ये नहर पर्टिकुलरली इरीगेशन के पर्पज़ से बनाई गई है। मुझे लगता है कि हम लोग हिमाचल प्रदेश पहुँच चुके हैं और पहली बार मैं हिमाचल की सीमा में इंटर करने जा रहा हूँ। इस रूट पर मैं पहली बार आ रहा हूँ लेकिन रूट बड़ा अच्छा है। देहरादून सुबह बड़ी ठंड हो रही थी, विकास नगर के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी थी और अब टेम्परेचर ठीक ठाक है। और ये हिमाचल की देवभूमि, हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है और उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ से हम लोग हिमाचल की भूमि पर प्रवेश करने वाले हैं। तो यार हम लोग फाइनली हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। हिमाचल एंटर होते हैं हम लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो पासेस के लिए पूछ रहे थे। हमारे पास गाइस ले लद्दाख का पास है एंड मेरा बैग टेढ़ा क्यों हो रहा है, जिप पाई दे। तभी मैं सोच रहा हूँ गाइस मेरी बाइक का ना बैलेंस बिगड़ रहा है। तो यार हम लोग निकले थे एंड पापा की गाड़ी में ना एक दिक्कत आ गई। एक्चुअली ना पापा ने कल कहीं से चेंज कराया था एंड यू कैन सी दैट पापा का फ्यूल बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। नीचे देखो भयंकर कितना सारा फ्यूल गिर चुका है। वो तो शुक्र है गाइस पापा ने ना आग नहीं पकड़ी, हमको हमारे एक सब्सक्राइबर मिले एंड ही हेल्प्ड अस आउट, नहीं तो हम लोग आगे जा रहे थे। तो गाइस अभी हम लोग रुके थे हाईवे पे, एक्चुअली पापा की बाइक में लगने वाली थी ऑलमोस्ट आग। पापा ने ढंग की जगह सर्विस नहीं कराई, मुझे ऐसा फील होता है। पापा बंदा तो अच्छा था, 3 साल से तो वही कर रहा था पर प्रॉब्लम आ गई। अब क्या पापा देखो आपकी जिंदगी में किसी ने आग ना लगाई होती लेकिन आज वो मैकेनिक आपकी जिंदगी में आग लगा सकता था। मेरी एक ने पेट्रोल चोरा तो उसने पाइप आधा काट दिया था तब भी बची थी। तो यार हमें सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, उन्होंने हमें हेल्प करवा दिया था, बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच यार आप लोगों के कारण। मतलब मुसीबत आने से टल जाती है। बाइक से पता फ्यूल कैसे निकला था, धड़ धड़ करके, और ऑलरेडी इतनी धूप हो रही है ना तो बाइक में ना आग भी लग सकती थी। कल से मेरा 7 लीटर पेट्रोल उड़ चुका था। लापा आपकी राइड ना एडवेंचरस शुरू हुई है बहुत भाई। पापा फाइनली मिल चुके हैं। बाय गॉड पापा ने इतनी तेज गाड़ी भगा रखी है ना कि पापा हमें इतनी देर बाद मिले। एंड लुक एट दैट गाइस, पापा लग रहे हैं फुल पावर स्टड। एंड हमने कहा पापा को पापा चंडीगढ़ रुकते हैं, बट पापा ने कहा मैं चंडीगढ़ नहीं रुकूंगा बॉयज, मैं आज ही ले लद्दाख मारूंगा। एंड यार मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है ना क्योंकि अपने पिताजी के साथ ट्रैवल करना इज लाइक अ ड्रीम भाई। सो फाइनली गाइस शाम हो चुकी है एंड हम लोग आ चुके हैं चंडीगढ़ वाले हाईवे पे। हम लोग कब से इस हाईवे पे आने के लिए तरस रहे थे एंड वी आर फाइनली हियर। पापा गलत चले गए सर, एक्चुअली चंडीगढ़ जाना था हमें। चंडीगढ़ ये हाईवे खुला है तो लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, लेकिन लोग जा क्यों नहीं रहे ऐसे सो? अच्छा हमने सोचा हाईवे बंद है सर। ओके थैंक यू सर,
जी थैंक यू। एक्चुअली गाइस यहां से ना ज्यादा लोग जा नहीं रहते, तो मैंने सोचा उन पुलिस वाले से पूछ लेता हूं। एंड दे सेड कि एक खुला है, क्योंकि यार वो किसान आंदोलन भी चल रहा है ना, तो मैंने सोचा ये हाईवे बंद ना हो। बट फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। कमर टूट गई मेरी इस बाइक पे भाई साहब। ZXNR पे ना हालत खराब हो चुकी है। लुक एट दिस गाइस, मेरे हाथ देख रहे हो, भयंकर भैंस की टांग पूरे रेड हो चुके हैं। अभी तो हार्डली हम लोगों ने 150-200 किलोमीटर करा है गाइस। तो यार पूरे दिन भर राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंचे खाना खाने के लिए। पापा को हमने मस्त तो बटर चिकन खिलाया। पापा कैसा रहा आपका दिन आज राइड का? देखो आज मैंने घोड़े की तरह जंप भी मारी एक स्पीड ब्रेकर में। मैं आपको बता दूं गाइस व्हाट हैपेंड। पापा चल रहे हैं फुल 120, एक जगह रोड खत्म हो गई थी एंड उसके आगे ना पूरी टूटी हुई रोड, और हम पीछे से देख रहे गाइस पापा ने उस जगह ना पूरी कुदा दी। शिवम निकलने आज बस मेरे पास जन्नत वो होती ना, जन्नत की नसीब करा दी थी उछाल की। व्लॉग शुरू होने से पहले कहा था कि घुड़सवारी गिरते हैं पर अभी गिरे नहीं। बाय गॉड गाइस, मैंने तो सोचा था पापा और शिवम रड़ गए। शिवम पता कैसे, शिवम ने ऐसे करके बैठा हुआ था और शिवम के हाथ अलग पैर अलग। मैंने अंकल को आज लेफ्ट राइट सिखा रहा था बाइक में। और इसकी वो देखो मुझे कह रहा है कि अंकल लेफ्ट लेफ्ट और मुड़ना था राइट, मतलब इसको लेफ्ट और राइट का ही पता नहीं है गाइस। एक्चुअली शिवम 10वीं में 3-4 बारी फेल हुआ ना, तो उसे लेफ्ट राइट का कुछ पता ही नहीं। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। मैं बोलता हूं कि मैं 11वीं में मैथ में फेल हुआ था। पापा फेल हो गए, हम दोस्त हैं। सो गाइस वी बेसिकली हैड अ डिनर एंड अब हम लोग जा रहे हैं होटल में, एंड उसके बाद हम लोग ये व्लॉग एडिट करने वाले बिकॉज़ ये ले लद्दाख की सीरीज आई एम गोना बी अपलोडिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू बी मोर प्रिसाइज। फिलहाल अभी जा रहे हैं होटल के लिए एंड बाइक्स की हालत मैं आपको दिखाता हूं यार। तो यार आज का जो रन था अप्रोक्सीमेटली दैट वाज 250 किलोमीटर ऑफ रन, एंड बाइक की हालत मैं आपको दिखाता हूं। देखो तो बिल्कुल मस्त हो रही है, पापा की बाइक भी बहुत मस्त हो रही है एंड लुक एट आमिर की बाइक, ये पूरा कबाड़ा हो रखे है। पापा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे भाई? अभी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि मैं तो अभी जम्मू तक जाने के लिए बिल्कुल फिजिकली और मेंटली तैयार हूँ। हम नहीं है पापा। गाइस पापा तो अभी जम्मू जाने के लिए रेडी है बट हम लोग थक चुके हैं, हम लोगों को ये ब्लॉग भी एडिट करके डालना है। तो यार बेसिकली भी हम लोग होटल जा रहे हैं, होटल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, चलते हैं होटल एंड फिर आपसे वहाँ मिलते हैं। तो यार हमें मिल चुका है एक होटल, होटल नेम इज ग्रैंड प्लाजा होटल। एक्चुअली मैं होटल में गया एंड जो होटल वाले बंदे थे ही वाज माय सब्सक्राइबर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार कि इतने दूर दूर तक लोग जानते हैं मेरे को। तो यार द बेस्ट थिंग दैट दे आर डूइंग इज यू नो वो हमारा लगेज अंदर रखवा रहे हैं। तो यार मुझे लगता है ये आज तक की सबसे सिक्योर्ड पार्किंग मिली हमें। ये वीर जी हमारे सब्सक्राइबर है, तो इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। इन्होंने हमारी बाइक ना रूम के अंदर मकान के अंदर लगाई है। एक्चुअली ना हमारी बाइक के पास ना बहुत लगेज है एंड हम लोग उतारना नहीं चाहते यार क्योंकि हम लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रूम में एंड मेरी किस्मत ये थी कि जिस होटल में हम लोग रुके थे वो हमारे किसी जाने वाले सब्सक्राइबर का था, तो उन्होंने जो हमें होटल था वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस मतलब बहुत सस्ते में लगा दिया था। शुक्रिया यार, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, सपोर्ट करते हैं गाइस। फिलहाल पापा ना दूसरे रूम में नहा करके सो गए क्योंकि वो बहुत थके हुए थे एंड मैं भी यार सोने जा रहा हूँ क्योंकि ZXNR पे राइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। बट उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो गाइस पापा के साथ कैसा लगा आपको एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस इज UK07 साइनिंग ऑफ। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।